हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. बेटा, आज हम फिफ्थ क्लास की स्टडी कर रहे हैं. सब्जेक्ट है हमारा हिंदी और पार्ट नंबर कौन सा है? थर्ड पार्ट नंबर है. ठीक है, तो आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ. इतना अवश्य हुआ है कि विश्व के अनेक देशों के वैज्ञानिक धरती से 1000 मील ऊपर एक साझा आंतरिक स्टेशन स्थापित करने में तथा पृथ्वी के कक्षा में सैकड़ों लघु उपग्रह भ्रमण करने में सफल हो चुके हैं. क्या क्या इसमें बताया गया है ना, पृथ्वी की कक्षा में सैकड़ों लघु उपग्रह भ्रमण करने, मतलब कि उनकी यात्रा करने में क्या हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं. आंतरिक स्टेशन पर मनुष्य की पहुंच हो चुकी है, जो कि अनेकानेक वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से अंतरिक्ष के विषय में जानकारियां एकत्रित करके पृथ्वी पर भेजते रहते हैं. दूसरे जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किए जाते हैं उनके द्वारा संचार जगत में क्रांति आ गई है. यह उपग्रह विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म ग्राही यंत्रों से लैस होते हैं, जो धरती और आकाश की महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम करते हैं. रेडियो तथा टेलीविजन के क्षेत्र में तो इनके द्वारा एक महाक्रांति आ चुकी है. इनके द्वारा ही एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को दृश्य चित्र भेजे जाते हैं और इस प्रकार दुनिया का कोई कोना अछूता नहीं रह गया है. वह दिन दूर नहीं जब आदमी के चरण दूसरे अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों पर पड़ेंगे. वह दिन निश्चय ही धरतीवासियों के लिए एक महान चमत्कार भर देने वाला दिन होगा, इसमें कहा गया है. तो क्या कहा गया है, जो अब जैसे जैसे भविष्य में जैसे जैसे वैज्ञानिकों की तकनीकी जो है सफल होती जाएंगी, वैसे वैसे आदमी के जो चरण हैं वो दूसरे दूर के अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों पर भी पड़ेंगे. ठीक है, तो जो हमारे वैज्ञानिक है वो अपनी तकनीकी से जहाँ जाना भी असंभव है वहाँ पर जाने की क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं. तो जो भी बताया गया है इसमें किसके द्वारा बताया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा. आज हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं हो सकते थे, वो भी आज संभव होते जा रहे हैं. तो बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में करना होगा.